जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क उसके हेडक्वार्टर से कंट्रोल किए जाते हैं, उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में सारे टास्क उसके मेन फंक्शन से हैंडल होते हैं। ये है सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर और ये है वो मेन फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम का सेंट्रल पार्ट है। और सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग इसी मेन फंक्शन से होती है। ये राउंड ब्रैकेट्स बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है इसको हम एक सेपरेट सेक्शन में देखेंगे। इन शॉर्ट ये एक मेन फंक्शन है। ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये जो स्पेस है वो मेन फंक्शन की बॉडी है जिधर हमारा कोड लिखा जाना है। और यहाँ ये जो इंट है वो बता रहा है कि ये जो फंक्शन है वो एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होगा। और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा? इंट टाइप की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक फंक्शन है जो एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और वैल्यू किधर रिटर्न कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और क्यों रिटर्न कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस मेन फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी कोई फंक्शन या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रिटर्न टाइप फंक्शन को कॉल करता है तो रिटर्न टाइप फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको जिसने उसको कॉल किया है एक वैल्यू रिटर्न करें। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन फंक्शन को कॉल किया था तो मेन फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वैल्यू रिटर्न करे। प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने पर मेन फंक्शन रिटर्न ज़ीरो करेगा, वही अनसक्सेसफुल होने पर नॉन ज़ीरो वैल्यू। अब यहाँ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत क्या है। तो होता यह है कि हमारा प्रोग्राम ये एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क को मैनेज कर रहा होता है और उनको हमारे प्रोग्राम के लिए रिजर्व भी करता है। प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को फ्री करना होता है। तो यहाँ मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को यही तो बता रहा है कि उसका काम पूरा हो गया है और वो अब हार्डवेयर रिसोर्सेज को किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एक छोटा सा टास्क अपने मेन फंक्शन के अंदर और प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, जिसके लिए हमें लेना होगा प्रिंटर फंक्शन। और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इंक्लूड करनी होगी हेडर फाइल और वो हेडर फाइल है stdio.h। अब जैसे ही हम अपने इस कोड को रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। इस कोड को आप अपने IDE पर रन करके भी देख सकते हैं जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ये था बेसिक स्ट्रक्चर एक सी प्रोग्राम का। आने वाली वीडियोज़ में हम सी प्रोग्रामिंग के और बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।